हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं करण कौल और आज इस वीडियो में मैं वर्ल्ड के मिस्ट्री के प्लेसेस के बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहले बड़ी मिस्ट्री है एरिया 51। एरिया 51 यूएसए के निवादा प्रांत में है और यूएसए इसको अपना एयरफोर्स बेस मानती है, लेकिन माना जाता है कि इसके अंदर एलियन है। यूएसए की गवर्नमेंट ने इसको पूरी तरह से बंद रखा है और इसको जाने पर बैन लगाया हुआ है। ये यूएसए का सीक्रेट बेस है और इसलिए इसको माना जाता है क्योंकि 1950 में यूएसए के न्यू मैक्सिको के रोजवेल में एक यूएफओ जैसी चीज़ क्रैश हुई थी और उस चीज़ में से जो एलियंस हैं उनको ये माना जाता है कि यूएसए ने एरिया 51 में रख दिया था और वहीं पर उनका परीक्षण भी किया जाता है। इसके साथ इसका हाईवे भी है जिस पर भी जाना मना है, क्योंकि सीधा रास्ता एरिया 51 उधर जाता है। 1980 में भी जहाँ पर यूएफओ जैसी चीज़ें देखी गई थी और इसलिए ये एलियंस के लिए मुख्य अड्डा माना जाता है। एरिया 51 की तरह ऑस्ट्रेलिया में पाइन गेट नाम का बेस है जो ऑस्ट्रेलियन फोर्स ने सीक्रेट रखा हुआ है। अब इसकी मिस्ट्री को अभी तक सुलझा नहीं पाया गया है, जो एक बड़ी मिस्ट्री बन चुकी है। इसके बाद नाम आता है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा जो कि इजिप्ट में है। इस सबसे बड़ी मिस्ट्री यही है कि हजारों साल पहले पिरामिड कैसे बने, वो भी इतने रेगिस्तान इलाके में। इनके अंदर से जो सामान मिला और कुछ चित्र भी मिले, उन चित्रों में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को दिखाया तो गया था, लेकिन कुछ अलग ही तरह के जीव उस चित्र में दिखे गए और माना जाता है कि वो एलियन थे। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का कॉन्टैक्ट एलियन से था ये माना जाता है प्राचीन समय में, जहाँ से जो मम्मी निकाली गई उसको भी निकालने वाले सभी व्यक्ति मारे गए। और ये भी विश्व की एक बहुत पुरानी और बड़ी मिस्ट्री है। इसके बाद करते हैं डोर टू हेल। हेल मीन्स नर्क और तुर्कमेनिस्तान में देव बेज नाम के स्थान पर एक इतना बड़ा होल हुआ पड़ा है, इसके अंदर जो गया वो जीवित नहीं रहे। उस गद्दे के अंदर आग ही आग लगी हुई है और वो नर्क से कम नहीं। इसके नजदीक जाना बड़ा ही खतरनाक है और यही नहीं, इसके अंदर से बड़ी अलग अलग तरह की आवाजें आती हैं। इसको अब पूरी तरह से कवर करके बंद तो किया गया है, लेकिन ये फिर भी बड़ा ही अजीब तरह का मिस्ट्री वाला स्थान है। गलती में ऐसा इतना बड़ा गड्ढा और अंदर इतनी आग लगी है, ये कैसे। इसके बाद बात करते हैं बरमुडा ट्रायंगल की जो कि यूएसए के बरमुडा आइलैंड के नज़दीक है। ये पैसिफिक ओशन के नॉर्थ पर है। इसकी विशेषता ये है कि ये सब कुछ खींच लेता है जो भी इसके एरिया में आए, कोई भी शिप और कोई भी एरोप्लेन। ऐसी घटनाएं बहुत सालों से हो रही है, इसलिए इसके नज़दीक जाना भी बड़ा खतरनाक। इसके अंदर कोई मैग्नेट जैसी चीज़ होती है जो सब कुछ खींच लेती है और बड़ा ही खतरनाक होती है। ये भी एक मिस्ट्री बनी हुई है, लेकिन ऐसा ट्रायंगल यूएसए में एक और है जिसे मिचिगन एंगल ट्रायंगल। ये भी बहुत खतरनाक तरीके से मैग्नेट की तरह हर चीज़ को खींचने लगता है पानी के अंदर। इसके बाद बात करते हैं लोचनेस जो कि यूके के स्कॉटलैंड में। ये छोटा सा लेक था लेकिन इसके अंदर डायनासोर देखा गया वो भी कई बार। ये घटनाएं पुराने समय से होती है, ये कुछ फोटोग्राफर से डायनासोर की फोटो भी खींची, लेकिन इस मिस्ट्री को सुलझाना गया है। बाकी जो कंपनी है उसने असल में ये नकली डायनासोर बनाया था कि लोग यहाँ पर आए और स्थान की ओर आकर्षित हों। इसके बाद मिस्ट्री है इंग्लैंड में ही स्टोन हेंजी की। ये मिस्ट्री इसलिए है कि हजारों बरस पहले ऐसे भारी भारी स्टोन्स को कैसे खड़ा करके स्ट्रेट रखा गया है और जय ही नहीं, जो एक सर्कल का कार बनाते हैं। और माना जाता है कि पुराने समय में इंग्लैंड में यूएफओ वहाँ पर लैंड हुआ। हैरानी की वजह यही है कि ऐसे कैसे हुआ, इतने बारिश स्टोन्स को वहाँ के लोगों ने, समय के लोगों ने कैसे उठा लिया। ऐसी ही घटना ईस्टर आइलैंड की है जो पेरू का है। वहाँ पर भी एक ऐसी मूर्ति बनाई हुई है जिनकी शक्ल बड़ी अलग तरह की है और माना जाता है कि वहाँ की जो सिविलाइजेशन थी उनका कॉन्टेक्ट भी एलियंस के साथ। ये टापू अब बेजान है, लेकिन जहाँ के चीज़ें बड़ी ही मिस्ट्री बनी। इसके बाद नाजका का नाम आता है। नाजका भी पेरू में स्थित है। इसकी मिस्ट्री 80 साल से बनी हुई है। यहाँ पर अलग अलग तरह की जीवी सी लाइनें दिख जगह हुई बनी हुई हैं और यहाँ पर ऐसी पेंटिंग जैसे मॉन्की स्नेक ऐसी चीज़ें के आकार दिखते हैं और इसकी मिस्ट्री को अभी तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया। इसके बाद नाम आता है ओकीगारा। ये जापान में माउंट फूजी के फुट पे ये एक जंगल है जो बड़ा ही खतरनाक। ये जंगल की मिस्ट्री ये है कि जहाँ पर कई लोग सुसाइड करते हैं, यहाँ के स्थानीय लोग मानते हैं कि जहाँ पर स्पिरिट्स और गोस्ट रहते हैं, मीन्स भूत। यही माना जाता है कि जहाँ पर रात को बड़ी अजीब तरह की भूत ही आवाजें आती हैं, इसलिए यहाँ की स्थानीय पुलिस ने भी जहाँ पर जाने से मना किया हुआ है। इसके बाद यूएसए में एक बेली है जिसका नाम लुइस बेली है। ये है तो सुंदर,
लेकिन इसमें 8-10 बार यहाँ पर यूएफओ देखा गया है, और ये बड़ी ही यूएफओ जैसी आकार की चीज़ें देखी गई हैं, तो काफ़ी मिस्ट्री। क्या इस वैली में कुछ है उनके बारे में, क्या उनका कोई बेस है, यही मिस्ट्री काफ़ी समय से बनी। ये लुइस वैली यूएसए के कोलोराडो में, यूएसए का टापू है, इसका नाम बरिजिनिया है। इसकी मिस्ट्री ये है कि जहाँ पर सब कुछ बनाया तो गया था, लेकिन अचानक सारा शहर तबाह हो गया, और वो भी बड़ी लग तरह की चीज़ें की वजह से। माना जाता है कि जहाँ पर लग तरह की आत्मा का वास, तो जहाँ पर किसी को टिकने नहीं देती, इसलिए टापू को बेजान रखा गया है, वैसे इस्तेमाल पड़ा है, कोई भी जहाँ पर नहीं आता। लेकिन मिस्ट्री को सॉल्व ऐसे हुआ कि जहाँ पर एक ऐसे क्रिएचर हैं जो किसी व्यक्ति को जहाँ पर टिकने, कोई भी मानव, इनका नाम मोमोस्ट है, जो एक ऐसे क्रिएचर हैं जो इस टापू में किसी को आने नहीं देते। तो ये कुछ मिस्ट्री थी वर्ल्ड की, इनको अभी तक सॉल्व तो ज़्यादातर नहीं किया हुआ है, और सिर्फ दो मिस्ट्री हुई जिनको मैंने आपको बताया कि वो सॉल्व हो चुकी हैं। इसके अलावा यदि आपने इंडिया की भी मिस्ट्रीज देखनी है तो उसकी मैं अलग वीडियो मारूंगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा।